हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में दिए हुए होमवर्क को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपने बनाया है सारा सेंटेंस तो आप मिला लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये रहा पिछली क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के आंसर। अगर आपने बनाया है तो आप मैच कर लो, उससे टैली कर लो, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं उसको आप सुधार लिया करो। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हैज़ ए प्रेजेंट, हैज़ ए पास्ट, यानी कि हैड पढ़ लिया आपने, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे हैज़ हैव का फ्यूचर। और मैंने आपको पहले बता दिया है, कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए उसमें शैल और विल लगाना पड़ता है, लेकिन उसका जो मूल जो मेन वर्ब है वो रहेगा, वो नहीं हटेगा। जैसे हैज़ हैव है तो हैज़ हैव रहेगा, बट उसमें शैल और विल लगाएंगे तो वो फ्यूचर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बट फ्यूचर में आप एक बात ध्यान रखना कि हैज़ नहीं लगता, सिर्फ हैव का इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। जैसे कि मेरे पास पेन है, प्रेजेंट हो गया, मेरे पास पेन थी, पास्ट हो गया, मेरे पास पेन होगी या रहेगी, ये हो गया फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, तो उसके पास कार होगी, पहला सेंटेंस है, तो ही विल हैव कार, उसके पास कार होगी या उसको एक कार होगी। ओके फ्रेंड्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ही और वी को साथ में लिखेंगे तो इसको हिल पढ़ते हैं, हिल हैव कार, हिल हैव कार। ओके फ्रेंड्स, उसके पास कार नहीं होगी, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आप जानते ही हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट कब लगाते हैं? पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही हम नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर ही विल नॉट हैव कार, या इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि ही वोंट हैव कार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विल नॉट को साथ में मिलाएंगे तो वोंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये इंटरोगेटिव, क्या उसके पास कार होगी, क्या उसके पास कार होगी, यानी कि क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो विल आएगा पहले, विल ही हैव कार। ओके फ्रेंड्स, विल ही हैव कार। अब ये क्वेश्चन वर्ड, उसके पास कार कब होगी, तो कब का पहले हम इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट ही हैव कार, व्हेन विल ही हैव कार। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसे सेंटेंस में नहीं भी आता है, क्या उसके पास कार नहीं होगी, अगर नहीं लगा रहे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट विल और नॉट को साथ में लगाकर लिख देंगे, वोंट ही हैव कार। ओके फ्रेंड्स, क्या उसके पास कार नहीं होगी, अगर इसमें उसके पास कार कब होगी, व्हेन विल ही हैव कार। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट और ये रहा फ्यूचर, फ्यूचर का भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड। ओके फ्रेंड्स, हम ऐसे बनाने से क्या होता है कि अगर हम ऐसे बनाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा का सारा प्रैक्टिस होता रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड भी। तो ये बहुत ही अच्छा वे है, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस के द्वारा आपकी जहन में, आपके जहन में इंग्लिश इस तरह से, मतलब जो भी आप प्रैक्टिस किए रहेंगे वो इस तरह से बैठ जाएगा, आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कभी भी वैसे सेंटेंस, कभी भी उस तरह के सेंटेंस बोलते वक्त आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। मेरे पिताजी के पास कार होगी, माई फादर विल हैव कार। मेरे पिताजी के पास कार नहीं होगी, माई फादर वोंट हैव कार।
फ्रेंड्स यहाँ पर विल और नॉट को साथ में मिलाया हमने तो वोंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप विल नॉट भी बोल सकते हैं अलग अलग। तो माई फादर विल नॉट हैव कार या माई फादर वोंट हैव कार। ओके फ्रेंड्स, क्या मेरे पिताजी के पास कार होगी? विल माई फादर हैव कार। क्या मेरे पिताजी के पास कार नहीं होगी? वोंट माई फादर हैव कार। मेरे पिताजी के पास कार कब होगी? When will my father have car? उसको बहुत सारे पैसे होंगे या उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो he will have lots of money। उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे, he won't have lots of money। क्या उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे? Will he have lots of money? क्या उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे? Won't he have lots of money? उसके पास बहुत सारे पैसे कैसे होंगे? How will he have lots of money? उसके पास बहुत सारे पैसे कैसे नहीं होंगे? How won't he have lots of money? तुम्हें ज्ञान होगा, यानी कि तुम्हारे पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। You will have knowledge। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होगा। You won't have knowledge। क्या तुम्हारे पास ज्ञान होगा? Will you have knowledge? क्या तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होगा? Won't you have knowledge? तुम्हारे पास ज्ञान कैसे होगा? How will you have knowledge? भारत के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ होंगे। भारत will, या हम इंडिया भी बोल सकते हैं, इंडिया will have enough फूड प्रोडक्ट्स। भारत के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं होंगे, इंडिया won't have enough फूड प्रोडक्ट। क्या भारत के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ होंगे? Will India have enough फूड प्रोडक्ट्स? भारत के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ कब होंगे? When will India have enough food products? तुम्हारे दोस्त के पास बाइक होगी। Your friend will have bike। तुम्हारे दोस्त के पास बाइक नहीं होगी। Your friend won't have bike। क्या तुम्हारे दोस्त के पास बाइक होगी? Will your friend have bike? क्या तुम्हारे दोस्त के पास बाइक नहीं होगी? Won't your friend have bike? तुम्हारे दोस्त के पास बाइक कब होगी? When will your friend have bike? उसके पास बंदूक क्यों रहेंगे, यानी कि उसके पास बंदूक क्यों होंगे? Why will he have gun? उसके पास बंदूक क्यों नहीं होंगे? Why won't he have guns? तुम्हारे पड़ोसी को तमीज नहीं होगा। Your neighbor will not have manners, या your neighbor won't have manners। किसके पास पानी रहेगा, यानी किसके पास पानी होगा? Who will have water? आपके पास क्या होगा? What will you have? आपके पास क्या नहीं होगा? What won't you have? उसके पास क्या नहीं होगा? What won't he have? ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा वे है, आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम देख लेते हैं आज का होमवर्क। ये रहा आज का होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से बनाइए और नेक्स्ट क्लास में आप इसको चेक कर सकते हैं जब मैं आंसर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।